हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका भाई संदीप, और आप देख रहे हैं फैंटेसी क्रिकेट प्रिडिक्शन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रशियन प्रीमियर लीग के मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा जीनत वर्सेज डिनामो की टीम के बीच में। तो दोनों ही टीमों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, इसलिए मैं कंटिन्यू काफ़ी सारे मैचेज हैं जो जीत चुकी हैं। तो दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। इसके लिए आप फैंटेसी क्रिकेट प्रिडिक्शन लिखकर सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से लिंक के जरिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बता दूं कि जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और जो इनके बेनिफिट है वो आपके लिए प्राइसलेस रहेंगे। तो मैच शुरू होने पहले अगर कोई भी अपडेट्स आती है या चेंजेस आते हैं तो मैं जहां पे आपको देने में सफल रहता हूं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए प्लीज मेरा जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। दोस्तों, जो रशियन प्रीमियर लीग का आज का मैच खेला जाएगा वो जेनस सेंट पीटर्सबर्ग वर्सेस डायनेमो मॉस्को की टीम के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस लीग में, तो डीपली जानेंगे दोनों ही टीमों के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम न्यूज़ की, मैच प्रीव्यू करेंगे दोनों ही टीमों का, दोनों ही टीमों की जो लास्ट 5 गेम रही हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा प्लेइंग 11 की बात करेंगे, और लास्ट में ड्रीम 11 की टीम की बात करेंगे, और मैं आपको एक ड्रीम 11 की टीम बना के दूंगा। यहाँ पे अगर मैच इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आज का मैच है वो जीनत सेंट पीटर्सबर्ग वर्सेज डिनामो मॉस्को के बीच में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर वेन्यू की बात की जाए तो जहाँ पे जे क्रिस्टोव स्काई स्टेडियम में खेला जाएगा, जो इसकी डेट एंड टाइमिंग रहेगी, ये मैच 6 दिसंबर को खेला जाएगा, जो इसकी टाइमिंग रहेगी वो रात 10 PM की रहेगी लोकेशन के हिसाब से। तो लीग का मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लीग का नाम है रशियन प्रीमियर लीग। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर मैच प्रीव्यू करें दोनों ही टीमों का तो कुछ इस तरह से इन दोनों का अभी तक का प्रदर्शन रहा है। तो जहां पे पहले नंबर पे अगर जीनत की टीम की बात की जाए तो रशियन प्रीमियर लीग ने इन्होंने 42 पॉइंट के साथ अपने आप को स्कोर बोर्ड पे नंबर 1 पे स्कोर सिक्योर कर लिया है। तो अभी तक मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट जो 7 गेम्स हैं उसमें कोई भी मैच इन्होंने नहीं हारा है। तो दूसरी साइड जहाँ पर डिनामो मॉस्को की बात की जाए तो इन्होंने 8 गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कंटिन्यू जो जीत हासिल की है। तो जहाँ पे आपको बता दूँ कि जो इनकी फोर विंस रही हैं वो लास्ट 5 मैचेस में आ गई थी। तो दोनों ही टीमों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, तो आपको जरूर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी प्ले ग्राउंड में। तो दोस्तों, अगर लास्ट 5 गेम्स ऑफ जीनत की टीम की बात की जाए तो लास्ट 5 गेम का प्रदर्शन इनका कुछ इस तरह से रहा है। तो जो पहले 4 मैच थे जीन की टीम ने जीत लिए थे, और लास्ट वाला जो लॉस्ट किया था, जो पहला मैच है इसने शुरुआती दौर में SPM की टीम के खिलाफ खेला था जो कि 1-0 से जीता था। इसके अलावा सेकंड मैच लियोन की टीम के खिलाफ खेला था जो कि 2-0 से विन किया था। इसके अलावा तीसरा मैच जो RUV की टीम के खिलाफ खेला था जो कि 1-2 से जीत लिया था, और जो फोर्थ मैच था वो टुला के खिलाफ खेला था जो कि 0-1 से जीता था, और लास्ट वाला LEI की टीम के खिलाफ खेला था जिसमें कि LEI की टीम है जो अपना खाता खोलने में असफल रही थी, और 2 गोल के चलते ये मैच जीनत की टीम ने जीत हासिल कर ली थी। तो जहाँ पे अगर 5 गेम ऑफ डायनामो की बात की जाए तो इन्होंने जो पहले 3 मैच थे वो विन किए थे कंटिन्यू, उसके बाद 1 मैच ड्रॉ रहा था जो 4 नंबर पे है, और इसके अलावा 5 नंबर लास्ट वाला मैच इन्होंने विन कर लिया था। तो अभी तक कोई भी मैच उन्होंने नहीं हारा है, हालांकि 1 मैच ड्रॉ रह गया था। तो जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगर पहले मैच की, तो इसने LMO के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था जो कि 1-2 से इन्होंने जीत हासिल की थी, और सेकंड मैच इन्होंने ROS की टीम के खिलाफ खेला था जो कि 2-1 से जीता था, और थर्ड मैच RUV की टीम से खिलाफ खेला था और इसमें 2-0 से इन्होंने जीत हासिल की थी। तो जो चौथा मैच ड्रॉ रहा था वो 1-1 की बराबरी पे रहा था, और इसके अलावा लास्ट मैच इन्होंने CSKA की टीम से जीत लिया था 0-1 की बढ़त के साथ। दोस्तों, अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये दोनों ही टीमें 5 बार एक दूसरे के आमने सामने हो चुकी हैं, जिसमें से 1 मैच जो था ड्रॉ रहा था 0-0 पे, और जो 3 मैच थे वो जीनत की टीम ने जीते थे, और 1 डायनामो की टीम जीत हासिल करने में सफल रही थी। तो दोस्तों, बता दूं कि जहां पे जो डायनामो के खिलाफ जीनत का प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो जीनत की टीम है हम इनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीदें लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 प्लेयर की बात की जाए तो कुछ इस तरह से रहेंगे। तो अगर जेंट की टीम की बात की जाए तो जहां पे पहले नंबर पे क्रेजो कॉब आपको खेलते हुए नजर आएंगे, सेकंड सेंटोस, इनके अलावा राकिस के, और इनके अलावा चौथे नंबर पे इनोविक, कैरावी, ड्रूशी, बेरोश, शैतोब, एरोकिन, ट्रेजुबा, और लास्ट में आपको एजमॉन खेलते हुए नजर आएंगे। तो लास्ट में अगर हम डायनामो की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो यहाँ पे शॉनेन, प्राशु, लेक, और इनके अलावा रिकॉब, ऑर्बेट्स, इनके अलावा मोरोजोब, कार्डोशो और न्यूस्ट्रेटर, इनके अलावा यूशुपोव और रूश,
और सलाही आपको खेलते हुए नज़र आएंगे एज ए डायनेमो की टीम के लिए। तो दोस्तों ये था दोनों ही टीमों का प्रव्यू। आपने टीम बनाते टाइम ये माइंड में जरूर रखना है कि किस टीम का ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो आप लॉस में नहीं जाओगे। अब बात करते हैं वीडियो के मेन पार्ट के बारे में, जो कि की प्लेयर्स हैं। तो जहाँ पर की प्लेयर्स की बात की जाए, तो दोनों ही टीमों के मैंने तीन तीन प्लेयर निकाले हैं जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है अपनी अपनी टीम के लिए। तो जहाँ पर अगर जीनत की बात की जाए, तो इनके जो की प्लेयर्स हैं कुछ इस तरह से रहेंगे। तो पहले नंबर पर जहाँ पर एरटम डिजूबा को चूज़ किया है, इनका साथ देंगे सरदार एजमॉन, और जहाँ पे मैंने मैगॉड जदोब को मौका दिया है जीनत की टीम के लिए। तो चलिए इन दोनों तीनों प्लेयर्स का जो है हम बाय रिकॉर्ड बात करेंगे। तो जानते हैं तीनों प्लेयर का रिकॉर्ड किस तरह का रहा है। तो जहाँ पे एरटम डिजूबा की बात की जाए, तो ये फॉरवर्ड प्लेयर हैं जीनत की टीम के लिए, तो अभी तक 18 गेम खेल चुके हैं और इन्होंने अभी तक 10 गोल डालने में सफल रहे हैं। तो 18 गेम में 10 गोल्स डालना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कह सकते हैं हम। तो सरदार अजूम की बात की जाए, तो ये फॉरवर्ड प्लेयर हैं और अभी तक इन्होंने 17 गेम खेली हैं जिसमें 6 गोल डालने में सफल रहे हैं। तो जहाँ पे मैगॉड ओजदेब की बात की जाए, तो ये मिडफील्डर रहते हैं और इन्होंने 17 गेम्स खेली हैं और 3 गोल डालने में सफल रहे हैं। तो जहाँ पे जीनत की टीम की बात की जाए, तो एरटम डिजूबा जो कि फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगी जीनत की टीम के लिए। काफ़ी एक्सपीरियंस खिला रही है, यही कारण है कि ये मेरी फर्स्ट चॉइस रहेंगी फॉरवर्ड प्लेयर्स में। तो दोस्तों डायनेमो मॉस्को की बात की जाए, तो इनके क्लियर प्लेयर कुछ इस तरह से रहेंगे। तो डायनेमो की बात की जाए, तो जहाँ पर मैंने मैक्सिमिलियन फ़िलिप को ट्राई किया है, इनका साथ देंगे क्रिल और इनके अलावा लेगवाओ को मौका दिया है। तो जहाँ पे पहले नंबर पे मैक्सिमिलियन फ़िलिप की बात की जाए, तो ये फॉरवर्ड प्लेयर हैं और अभी तक 10 गेम खेली हैं जिसमें से 6 गोल डालने में सफल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम क्रिल की बात की जाए, तो ये भी फॉरवर्ड प्लेयर आते हैं, 13 गेम में 2 गोल डालने में ये सफल रहे हैं। तो जहाँ पे स्लाइव एस्टर की बात की जाए, तो ये मिडफील्डर आते हैं और 9 मैचेस में इनका रिकॉर्ड कुछ इस तरह सा रहा है कि 9 मैचों में ये 2 गोल डाल चुके हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ की प्लेयर। तो टीम बनाते टाइम आपने जरूर माइंड में इन्हें रखकर टीम बनानी है कि कौन कौन से जो प्लेयर हैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं अपनी टीम्स के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि की प्लेयर्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है हर टीम में, अगर कोई भी लीग आप जीतना चाहते हो। दोस्तों क्रेडिट मेंटेन करते हुए मैंने जहाँ पे एक टीम बनाई है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने जीनत की टीम के 6 प्लेयर लगाए हैं और डायनामो की टीम के 5 प्लेयर लगाए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ मेरी टीम को कॉपी मत कीजिएगा, कॉपी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, आप आइडिया लेके अपने हिसाब से टीम क्रिएट कीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं जहाँ पर मेरी बनाई हुई टीम के बारे में, तो डीपली थोड़ा सा जानेंगे प्लेयर के बारे में। तो दोस्तों जहाँ पे मेरी बनाई हुई टीम की बात की जाए, तो एज ए गोल कीपर जहाँ पे मैंने ऑस्टन सनन को ट्राई किया है, जिनका सेलेक्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है और एक कम क्रेड में आपको एक अच्छे प्लेयर मिल जाते हैं। तो डिफेंडर की बात की जाए, तो जहाँ पे मैंने आई क्लैंड को मौका दिया है, जी मोरजोब को लिया है और जहाँ पे भी इवोनिक को मौका दिया है। तो जहाँ पे नोबिक की बात की जाए, तो लास्ट मैचेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। तो लास्ट में जहाँ पे मैंने बी क्रावी को मौका दिया है एज ए डिफेंडर। तो जहाँ पे एज ए मिडफील्डर जहाँ पे मैंने जीशु पॉप को मौका दिया है, इनका स्लेट रेट काफ़ी अच्छा है, तो जिसके चलते ये ग्रैंड और स्मॉल लीग दोनों ही लीग के लिए एक बेटर ऑप्शन रहेंगी। तो इनके अलावा अगर बात की जाए मिडफील्डर, तो जहाँ पे हेजलमेर को लिया है और इनका साथ देंगे क्यूजेव और एल म्यूसेव को मौका दिया है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ पे वार्प स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात की जाए, तो जहाँ पे डेजुबा आते हैं, एस अजुमन को मौका दिया है। टीम का प्रीव्यू करें तो जहाँ पे मैंने एस अजुमन को कैप्टन रखा है, इनका साथ देंगे यीशु पोबाजे वाइस कैप्टन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टीम मैं आपको देता हूँ, मैं खुद भी वही लगाता हूँ, हारेंगे साथ में तो जीतेंगे साथ में। तो थैंक यू फ्रेंड्स आपके प्यार और सपोर्ट के लिए।